हे गाइस, दिस इज मी शुभगौतम बैक विद अनदर वीडियो। और आज हम बैठे हैं अपनी कार में, क्योंकि जो वीडियो है, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया है, बैटरी से रिलेटेड वीडियो है। और मेरे गाड़ी को हो गए हैं अराउंड 4 ईयर्स, वो भी कंप्लीट हो जाएंगे आप नवंबर में। तो जो कार की जो बैटरी थी हमारी, वो कम्प्लीटली डेड हो चुकी थी। ये कुछ दिन और चल सकती थी, लेकिन कुछ केयरलेसनेस से ये बैटरी थोड़ी सी जल्दी ख़राब हो गई। स्टार्टिंग में मैंने ध्यान नहीं दिया बैटरी पे, और कभी भी इसको जैसे 6 to 7 मंथ में थोड़ा सा टॉप अप कर लेते हैं, डिस्टिल वाटर डालना होता है इसमें थोड़ा सा, तो वो टॉप अप कर लेते हैं, वो नहीं किया। और जब सर्विसिंग कराते थे, उनको भी कोई नॉलेज नहीं होती बैटरी की, वो पूरा टॉप अप कर देते थे। तो उसकी वजह से होता क्या है कि जब आपकी बैटरी चार्ज होगी, जब आप कार ड्राइव करेंगे, तो उसमें से एसिड लीक करेगा, जिसकी वजह से सेल्स वीक हो जाते हैं, उसका जो एसिड होता है वो निकल जाता है बॉयल होके। इस वजह से जब टॉप अप करते हैं तो उसको एक मार्क होता है, बस वहीं तक आपको डिस्टिल वाटर भरना होता है। एक बार मैंने घर में भी इसको रिचार्ज किया, क्योंकि एक दिन क्या हुआ कि मैं गाड़ी अपनी धुल रहा था और सॉन्ग्स भी प्ले कर रहा था, उसके बाद मैं गाड़ी ऑफ करना भूल गया, और सुबह जब निकाली गाड़ी तो बिल्कुल डेड हो चुकी थी। तो फिर उसको अपनी इन्वर्टर से चार्ज किया मैंने, लेकिन 2 बार ऐसा हो चुका है कि उसमें से एसिड लीक करा है, जिसकी वजह से 3.5 ईयर्स में बैटरी पूरी ख़राब हो गई। तो स्टार्टिंग में जब नई गाड़ी आती है, सबका शौक होता है उसमें बैठ के म्यूज़िक सुने, बहुत देर तक मैं म्यूज़िक इसमें सुनता रहता था। तो काफ़ी बार ऐसा हुआ कि मैंने 2-2 घंटे म्यूज़िक इसमें सुना है, उस टाइम भी 2-2 घंटे म्यूज़िक चलाने के बाद बैटरी डाउन हो जाती थी, तो धक्का मार के स्टार्ट करना पड़ता था। फिर उसके बाद से म्यूज़िक सुनना बंद कर दिया। तो अभी रिसेंट में जब इसके 3 साल पूरे हो गए, उसके बाद से ये थोड़ा सा नाटक करने लगी, बीच बीच में जल्दी ड्रेन होने लगी, चार्ज नहीं होती थी, और कभी जैसे 1 वीक के लिए खड़ी कर दी तो वो डिस्चार्ज हो जाती थी। और अब क्या होता था कि अगर हम गाड़ी चला के लाए हैं और 5 मिनट के लिए भी खड़ी कर दी तो वो इग्निशन नहीं होता था। तो 3 बार ऐसे सिचुएशन में फंस गए कि किसी से हेल्प करा के, धक्का लगा के गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ा। तो फिर मैंने काफ़ी सारे वीडियो सर्च करे और बैटरी के बारे में पता किया, तो 2 सबसे ज़्यादा बिकने वाली बैटरी, एक तो एक्साइड हो गई, दूसरी एमरॉन, दोनों ही काफ़ी क्लोज कॉम्पिटिशन में है। तो जो मैंने बैटरी लगवाई है वो एमरॉन की लगवाई है, क्यों वो अभी मैं आपको बताता हूँ। तो पहले आप वीडियो देख लीजिए कि क्या टेस्ट करके पता चल गया कि बैटरी बिल्कुल डेड हो गई है। बैटरी गई, नील गिरी होती है क्या, बताइए इसका फंक्शन पीले पे आएगा तो इसमें ग्रेविटी होनी चाहिए। सही है ना, इसकी 1200 ग्रेविटी है, इसकी भी 1200 होनी चाहिए, इसमें नील ग्रेविटी है, चले बैठ गया, इसीलिए तो दिक्कत हो रही। लगा दो तो इधर वाला, वो एक्सेल गया तो वही बैटरी, और चेक करने के लिए वो देख लीजिए, वोल्टेज तो हो सकता है दिखाए 12, पता नहीं इसका, लेकिन यहाँ सेल स्टार्ट नहीं होती है, जहाँ सेल लेंगे बैठ जाएगा ना, वो सेल बैठ जाता है, उसमें उस सेल का कोई गारंटी नहीं मिल पाता है स्टार्टिंग से। ये तो सही दे रहा है, ये तो सही दे रहा है, सेल मारेंगे बैठ जाएगा, सेल लेते समय 10 से नीचे नहीं जाना चाहिए। लो जरा रमेश भैया, जरा सेल मारिए जरा, बटन से होएगा। हाँ बहुत दिक्कत भी है, ये तो साथ चला गया। तो जैसे कि आपने वीडियो में देख लिया, फर्स्ट टेस्ट जो उसने किया वो ग्रेविटी मीटर था, तो एक सेल में जब उसने डाला तो 1300 की फेयर रीडिंग दे रहा था, लेकिन जब दूसरे सेल में उसने डाला तो उसमें ग्रेविटी बिल्कुल 0 थी, उसमें जो अंदर सब्सटेंस होता है वो ऊपर नहीं उठा। तो वो अगर एक भी सेल्स में होता है तो समझ लो वो ख़राब है। और जो दूसरा टेस्ट था वो था वोल्ट मीटर टेस्ट, अगर आप डायरेक्टली उसको पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे तो वो आपको 12
वॉट्स के ऊपर 12.25 उसके ऊपर आपको वोल्ट मीटर में रेटिंग देनी चाहिए, और नहीं दे रहा है तो समझ लिए बिल्कुल भी बेकार हो गई बैटरी। और उस समय अगर दे रहा है जैसे कि मेरे में दे रहा था, और जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, जब क्रैंक करते हैं, तो उसकी जो वैल्यू है वो 10 के नीचे नहीं जानी चाहिए। तो जैसे कि आपने वीडियो में देखा, जैसे ही क्रैंक किया वो 7 तक वैल्यू चली गई थी, जिसकी वजह से अगर हम 2 मिनट भी गाड़ी खड़ी कर देते थे और कभी अचानक से भूल गए, इग्निशन ऑफ कर दिया, फिर ऑन कर दी गाड़ी जस्ट कि हमें अपने मिरर्स ऊपर करने हैं, तो उतने में भी उसकी क्रैंकिंग पावर बिल्कुल चली जाती थी। तो इस वजह से बैटरी पूरी ख़राब हो चुकी थी। तो मैंने जो बैटरी ली वो Amaron की है, हाई लाइफ प्रो बैटरी। मैं आपको दिखा देता हूँ उसका बॉक्स। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये Amaron की हाई लाइफ प्रो बैटरी है, और इसकी जो वारंटी वो 66 मंथ की है, जिसमें आपको 36 मंथ की कंप्लीट रिप्लेसमेंट मिलती है, और बाकी के 30 मंथ्स में आपको जो प्रो रेटा वारंटी होती है वो मिलती है। जैसे कि 36 मंथ के बाद एक भी मंथ एक्स्ट्रा होगा तो उसके परसेंट के हिसाब से MRP में आपको डिस्काउंट मिल जाता है। जैसे आप कुछ मंथ हो गए तो उसमें एक चार्ट होता है कि इतने से इतने मंथ में आपको इतना परसेंट MRP पे डिस्काउंट मिलेगा, इतने से इतने मंथ में MRP पे इतना डिस्काउंट मिलेगा, तो वो सिस्टम फॉलो होता है। तो काफ़ी सही बैटरी लाइफ है इसकी, 36 मंथ है, उसमें आपको कंप्लीट रिप्लेसमेंट मिल जाएगा। ये 35 एम्पियर की बैटरी है, और पेट्रोल कार में 35 की ही लगती है। मेन चीज़ है इसमें जो टेक्नोलॉजी सिल्वर इनसाइड यूज़ हुई है, और मैं आपको अभी बैटरी दिखाता हूँ, उस पता चल जाता है, उसमें एक आई दी गई है तो उसमें पता चल जाता है अगर वो ग्रीन कलर की है तो वो बैटरी चार्ज्ड है, अगर वो ग्रे कलर की है तो बैटरी डिस्चार्ज, उसको चार्ज करने की ज़रूरत है। तो चलिए इसका मैं आपको रेट बता देता हूँ। ये थोड़ी एक्साइट से महंगी है, और इसका जो MRP है वो 4800 का है, 4800 अभी देखता हूँ, 4889 का है इसका। और इसकी जो डेट है बैटरी की वो है सितंबर 2020, अभी लेटेस्ट बैटरी है, तभी इसमें 66 मंथ की वारंटी भी लिखी हुई, पहले 60 मंथ की वारंटी में आती थी और अभी कंपनी ने 6 मंथ की वारंटी और बढ़ा दी गई है। सो गाइज, मुझे ये बैटरी पड़ी एक्सचेंज के बाद 4000 रुपीज़ की, और अगर आप दिल्ली से हैं तो दिल्ली में आपको काफ़ी सस्ती मिल जाएगी। तो एक्साइट की जो बैटरी है वो भी अच्छी बैटरी, अगर आप चाहें तो वो भी लगवा सकते हैं, माइलेज नाम से, मैं फ़ोटो यहाँ पे लगा दूंगा। तो मैंने काफ़ी रिव्यूज़ देखे थे एक्साइट और Amaron के, एक्साइट में एक प्रॉब्लम थी, एक्साइट की जो वारंटी है वो भी सेम है लेकिन जो इनकी सर्विस है वो थोड़ी सी स्लो है। जैसे कि आप वारंटी पीरियड के विद इन में आपकी बैटरी ख़राब हो गई तो वो लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं कि कैसे ख़राब हो गई, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और 3 से 4 दिन लगा देंगे रिप्लेसमेंट में। लेकिन Amaron में ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियोज़ देखे, जिन जिन ने वीडियो बनाया उन्होंने बताया कि Amaron की सर्विस अच्छी है, इसकी वजह से ये ज़्यादा बैटरी अब बिकती है और ये एक दिन में आपको रिप्लेसमेंट करके दे देंगे बैटरी। ये का जो प्रोसीजर होगा वो चेक करेंगे, और अगर उसमें ख़राब निकल गया तो आपको तुरंत बिना कोई क्वेश्चन के आपको नई बैटरी दे देंगे। और मैंने एक यूट्यूबर है शर्मा जी नाम से, मैं उनका चैनल यहाँ पे लिंक कर दूंगा, उनसे काफ़ी पूछताछ करी मैंने, उन्होंने रिप्लाई भी किया मुझे, तो जिसकी वजह से मैं ये बैटरी लिया हूँ। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक इट। पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं तो। सी यू नेक्स्ट टाइम इन अनदर वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, ड्राइव सेफ।